गाइस ये सामने वाला बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में आप सभी लोगों से बता दे रणवीर सिंह रहते हैं। जी हाँ गाइस, ये है रणवीर सिंह का घर जो कि मुंबई के एक बॉस इलाकों में स्थित है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी लोग को हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं विवेक ज्ञान व्लॉग, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं रणवीर सिंह का घर। जी हाँ गाइस, आप लोगों को बता दे रणवीर सिंह का घर मुंबई में एक जगह नहीं है, कई सारे जगह उनका घर है। जैसे मुंबई के हर एक बॉस इलाकों में उनका घर आप लोग जरूर पाएंगे। आप लोगों को बता दें यहाँ पे शाहरुख खान का जो मन्नत अपार्टमेंट है उसी के जस्ट बगल में उन्होंने अभी हाल ही में खरीदा है जो कि फ्लैट, और आप लोगों को बता दें उसकी कीमत 119 करोड़ रुपए है। तो चलिए गाइस आइए आप लोगों को बता दे रणवीर सिंह अभी फिलहाल कहाँ पे रहते हैं, किस जगह रहते हैं, आज मैं उनका घर दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ रणवीर सिंह के घर के पास। आप लोग ये जो सामने वाला बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में आप लोगों को बता दे रणवीर सिंह रहते हैं। जी हाँ गाइस, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण इसी बिल्डिंग में रहते हैं। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी आलीशान और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, जो कि यहाँ पे देखिए मैट लगाया गया हुआ ग्रीन कलर का आगे। और आप लोगों को बता दें एक मुंबई के बॉस इलाकों में ये बिल्डिंग स्थित है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ये बिल्डिंग है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी वगैरह लगाया गया हुआ है। गाइस अभी जो यहाँ से आंटी आ रही थी उधर से वो मेन गेट है, इधर जो जा रही हैं अभी ये आउट गेट है। जी हाँ गाइस, आप लोग देख सकते हैं काफी खूबसूरत ये बिल्डिंग है। गाइस आप लोगों को बता दे दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह काफी अच्छे कपल हैं, और आप लोगों को बता दे ये काफी अच्छा इन लोगों का रिलेशनशिप चला है, जो कि 2018 में इन लोगों ने शादी कर ली है। जी हाँ गाइस, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने और इसी बिल्डिंग में शादी करके आकर इसी बिल्डिंग में रहते थे। आप लोगों को बता दे गाइस, रणवीर सिंह कुछ टाइम पहले यहाँ पे रेंट पे लेकर इस बिल्डिंग में रहते थे, लेकिन इनकी मॉम ने ना दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के शादी होने के बाद उनको इस बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट उन्होंने गिफ्ट कर दिया। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यही है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का घर, जो कि एक मुंबई के बॉस इलाकों में स्थित है। गाइस आप लोगों को बता दें मुंबई के खार में ये बिल्डिंग स्थित है, और इस बिल्डिंग का नेम श्री है। जी हाँ गाइस, श्री अपार्टमेंट आप लोग गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये बिल्डिंग दिख जाएगा। जी हाँ गाइस, आप लोगों को बता दें गाइस, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को आज के डेट में कौन नहीं जानता है। जी हाँ गाइस, जो कि काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस ये दीपिका पादुकोण है, और काफ़ी अच्छे अभिनेता ये आप लोगों को रणवीर सिंह है। जी हाँ गाइस, आप लोगों को बता दे गाइस, रणवीर सिंह ने एक अभी नया घर खरीदा है, जो कि मुंबई के बांद्रा में शाहरुख खान के जस्ट बगल में। आप लोगों को बता दे शाहरुख खान का जो मन्नत अपार्टमेंट है ना बंगलो, उसी के जस्ट बगल में उन्होंने खरीदा है, जो कि 119 करोड़ का बिल्डिंग। जी हाँ गाइस, आप लोगों को बता दे वो बहुत जल्दी फ्लैट बन जाएगा, वहाँ पर ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यही है रणवीर सिंह का घर, जो कि मुंबई के खार में स्थित है अभी। और आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो गूगल मैप में आप लोग श्री अपार्टमेंट सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को बता दें आज के डेट में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को कौन नहीं पहचानता है। यहाँ पे पठान मूवी आई थी, जिसमें काफ़ी अच्छा एक्ट्रेस बताया जा रहा था कि उसमें किरदार पठान मूवी में सबसे अच्छा यहाँ पे जॉन अब्राहम सर का और दीपिका मैम का बताया जा रहा था। तो जी हाँ गई, सबसे ज़्यादा अच्छा दीपिका मैम का बताया जा रहा था, कि जो कि मूवी वो सुपर डुपर हिट गई और 1100 करोड़ की कमाई की है वो मूवी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यही है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का घर, जो कि मुंबई के एक बॉस इलाकों में स्थित है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी वगैरह लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। गाइस आइए यहीं पे बात करते हैं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के नेटवर्किंग के बारे में, क्योंकि गाइस आप लोगों को ये जानना तो ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग इतने बड़े बड़े अभिनेता हैं, एक्टर हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी कारों में घूमते हैं, इतने बड़े बड़े बॉस इलाकों में ये लोग घर खरीदते हैं। तो गाइस आप लोगों को बता दें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के नेटवर्किंग की बात करें तो पहले आइए रणवीर सिंह का हम बताते हैं। तो गाइस आप लोगों को बता दें रणवीर सिंह एक महीने में 2 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करते हैं, और यहीं पे महीने में 20 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करते हैं। और आप लोगों को बता दें सालाना की इनकी कमाई मैंने बताया है 20 करोड़ से ज़्यादा की करते हैं। अगर टोटल नेटवर्किंग की बात बताएँ तो ये 400 करोड़ प्लस है इनके पास। और आप लोगों को बता दें गाइस, एक मूवी का फीस ये 20 करोड़ से ज़्यादा
करते हैं और एक ऐड के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए कर चार्ज करते हैं। यहीं पे दीपिका पादुकोण मैम की बात करें तो 1 महीने में 3 करोड़ रुपए कमाती हैं और सालाना की बात करें तो 40 करोड़ रुपए कमाती हैं। अगर इनके टोटल नेटवर्किंग की बात करें तो इनके पास टोटल नेटवर्किंग 500 करोड़ प्लस है। जी हाँ गाइस, आप लोगों को बता दें एक मूवी का फीस ये 20 करोड़ से ज़्यादा की करती हैं और कई सारे ऐड बड़े बड़े ऐड भी करती हैं, उससे भी अच्छा खासा इनका अर्निंग हो जाता है। तो गाइस आप लोगों को बता दें रणवीर सिंह से ज़्यादा अर्निंग दीपिका पादुकोण मैम का है और टोटल नेटवर्किंग रणवीर सिंह से ज़्यादा है। तो गाइस अगर यहीं पे इनके कार कलेक्शन की बात करें ना तो इनके पास काफ़ी लग्जरियस कार है। जी हाँ गाइस, 15 लग्जरी कार है इन लोगों के पास, जैसे ओडी, मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर और भी तरह तरह के कई सारे आप लोगों को लग्जरी कार देखने को मिलेगा। गाइस आप लोगों को बता दी यहीं पे डेट ऑफ बर्थडे की बात करें इन दोनों लोगों का, तो गाइस यहाँ पे ना जो रणवीर सिंह है इनका बर्थडे 6 जुलाई को है। जी हाँ गाइस, 6 जुलाई 1985 को इनका जन्म हुआ था जो कि मुंबई के महाराष्ट्र में। जी हाँ गाइस, अगर यहीं पे दीपिका पादुकोण मैम का डेट ऑफ बर्थडे की बात करें तो इनका बर्थडे 5 जनवरी को है। जी हाँ गाइस, 5 जनवरी 1986 को इनका जन्म हुआ है। गाइस आप लोगों को बता दें बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे अच्छे कपल माने जाते हैं जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक टिकने वाले रिलेशनशिप में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण कहे जाते हैं। जी हाँ गाइस, आप लोगों को बता दें इन लोगों ने शादी भी कर लिया है, काफ़ी अच्छे आप लोगों ने घर बसा लिए हैं और यही है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का घर, आप लोग देख सकते हैं। गाइस आप लोगों को ये घर कैसा लगा, घर का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और भी आप लोग किसी का घर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।